हमने इससे पहले हदीस सुनी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना होता कि तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता, अल्लाह कब्र के जो अजाबात हैं, बरज़ख की जिंदगी के अहवाल हैं, चीखो पुकार हैं, शोर व गौगा हैं, ये लोगों को दिखा। सुना, अगर तुम सुन लेते तो मुस्कुराना हंसना भूल जाते, दुनिया की लज्जतों से फायदा उठाना छोड़ देते और मुर्दों को दफन करना बंद कर देते। इसलिए अल्लाह ताला ने रहमत और शफकत के तौर पर इसको छुपा कर रखा है, पोशीदा रखा है। या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन फइय्याय फअबुदून कुल्लु नफ्सिन मौत की जिंदगी खत्म नहीं होती है, मौत से हमेशा की जिंदगी शुरू होती है और उसी जिंदगी के बारे में हम गुफ्तगु करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई व सय्यदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन मन तबिअहुम बिहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون। حاضر نگرامی, برزخ के हालात के ताल्लुक से हम लोग मालूम कर रहे हैं। बरज़ख़ की ज़िंदगी का आगाज़ होता है कब्र से। मौत के बाद जब इंसान को दफन किया जाता है उसके बाद ही बरज़ख़ की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अब तक के दुरूस में हमने ये मालूम किए कि बरज़ख़ में ज़िंदगी काफिर, मुशरिक, मुनाफिक और मोमिन, निकोकार, बदकार सबको हासिल है। अलबत्ता निकोकारों को नियमतें मिलती है तो बदकारों को तकलीफ़ें, अजाबात और निकमतें हासिल होती है। और बरज़खी ज़िंदगी का ताल्लुक सरासर गायब से है। अल्लाह ताला ने इसको गायब में रखा है, गायब के पर्दे में रखा है ताकि हमारे ईमान का जायज़ा ले। गैब पर ईमान ये मोमिन का तुर्राए इम्तियाज़ हैं। अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब, क्योंकि गैब पर अगर ईमान नहीं है तो जाहिर सी बात है इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता है। तो अल्लाह ताला ने बरज़ख़ी अहवाल को गैब में रखा है ये बताने के लिए, एक तो कि मोमिन इंसान इस पर ईमान रखता या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकार करते हैं, कब्र के अजाबात कुछ नहीं है, आखिरत के अहवाल कुछ नहीं है, ये आजमाइश के लिए है। और मोमिन ईमान रखता है उसके लिए फायदा है। दूसरी बात, बरज़ख के हालात को, अहवाल को अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात से छुपा कर रखा, पोशीदा रखा है। उसका दूसरा मकसद ये है रहमत और शफ़क़त के तौर पर। हमने इससे पहले हदीस सुनी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना होता कि तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता, अल्लाह कब्र के जो अजाबात हैं, बरज़ख़ की ज़िंदगी के अहवाल हैं, चीखो पुकार हैं, शोर व गौगा हैं, ये लोगों को दिखा। सुना, अगर तुम सुन लेते तो मुस्कुराना हंसना भूल जाते, दुनिया की लज्जतों से फायदा उठाना छोड़ देते और मुर्दों को दफन करना बंद कर देते। इसलिए अल्लाह ताला ने रहमत और शफकत के तौर पर इसको छुपा कर रखा है, पोशीदा रखा है। हाजरीन, ये जो अहवाले कब्र हैं या अहवाले बरज़ख हैं, इनका ताल्लुक इंसान के जिस्म और रूह दोनों से हैं।
جسم اور روح دونوں سے ہیں. اب آدمی سوچتا ہے کہ جسم تو گل سڑ جاتا ہے کیسے عذاب ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے شروع میں ہی بتا دیا یہ غائب سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے, ہم عقل اس میں لڑانا نہیں ہے, اور اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. مثال کے طور پر آدمی خواب میں بھاگتا ہے دوڑتا ہے, اس کی وجہ سے اس کو اس کی باڈی تھکتی نہیں تھکتی ہے, اس کا جسم تھکتا ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, ہانپتا ہے, جبکہ وہ تو بستر پہ آرام سے پڑا ہوا ہے. یعنی اس کے روح کو بھگایا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا, اس کا اثر اس کی باڈی پہ ہو رہا ہے, جسم پہ ہو رہا ہے. جب دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے خواب کی شکل میں, تو ظاہر سی بات ہے آخرت میں اللہ نہیں کر سکتا ہے؟ ضرور کر سکتا ہے. اور انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا, ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیا کہ ایک ٹکڑا ہے جس کو مٹی کھاتی نہیں ہے, آگ جلا نہیں سکتی ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم, وفی حدیث مغیرہ کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذنب منہ. آدم کی اولاد انسان کے جسم کو مٹی پوری طرح سے کھا لیتی ہے سوائے ایک ہڈی جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے, ٹیل بون جس کو کہا جاتا ہے جو پیچھے کی طرف ہوتی ہے, اس کو مٹی نہ کھا سکتی ہے, آگ نہ جلا سکتی ہے, پانی نہ گلا سکتا ہے, نہ سڑا سکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اسی کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ماں کے پیٹ میں, اور اسی سے انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. اس ہڈی کے ساتھ اس کے روح کا تعلق ہوتا ہے, روح کو عذاب دیا جائے تو اس کی یہ ہڈی ہے, اس کا یہ جسم اس کو محسوس کرے گا. اور ہم اس سے پہلے بھی اس تعلق سے چند باتیں معلوم کیے ہیں. اب یہ جو برزخ کے احوال ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان و جنات سے چھپا کر رکھا ہے, مگر جانوروں کو, بہائم کو اور چوپایوں کو پتا چلتا ہے, پتا چلتا ہے. اور باقاعدہ اس کے چند میں آپ کو ثبوت دوں گا انشاءاللہ, ایک نبی کی حدیث سے, پھر سلف صالحین کے اقوال سے, مشاہدات سے, اور خود اپنے مشاہدات میں آپ کو بتاؤں گا. حضرین سب سے پہلے یعنی جانوروں کو, بہائم کو, چوپایوں کو پتا چلتا ہے قبر کے عذاب کے تعلق سے, وہ مشہور و معروف روایت ہیں صحیح بخاری کی حدیث سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گدھی پہ یا خچر پہ سوار ہو کے جا رہے تھے, آپ کے ساتھ کچھ صاحب اکرام تھے, اتنے میں آپ کی گدھی بدکنے لگی, قریب تھا کہ آپ کو اپنے پیٹ سے گرا دیتی, بدکنے لگی, بھرنے لگی, بہت زور زور سے آواز کرنے لگی. آپ سے باہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا, سنبھالنے کے بعد گدھے سے اترنے کے بعد آپ نے پوچھا یہاں کوئی قبر ہے؟ کہ ہاں یہ جو باغ ہے نا اس باغ میں کچھ پرانی قبریں ہیں. نبی نے پوچھا متا ماتو, کب مرے یہ لوگ, کب انتقال ہوئے؟ کہا کہ فی الجاہلیہ فی الشرک, زمانہ جاہلیت میں یا شرک کی حالت میں, یا ابھی نبی کی نبوت کے بعد ہی وفات پائے مگر فی الشرک, شرک میں وفات پائے ہیں. نبی نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے, ان کو عذاب ہو رہا ہے, اور اس کے عذاب کو میری گدھی نے محسوس کیا ہے, اسی لیے بدک رہا ہے, بدک رہی ہے اور بپر رہی ہے, اس نے محسوس کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی منگوائی, اور ڈالی منگانے کے بعد اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا, اللہ سے دعا کی, دونوں قبروں میں آپ نے گاڑ دیا اور کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے, جب تک یہ سوکھے نا اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا. بہت بڑی چیز میں عذاب نہیں ہے, ان میں سے ایک غیبت چغل خوری کرتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. تو یہاں گدھے نے محسوس کیا ہے, یہ اصل استدلال ہے. اور قبر میں ٹہنی ڈالنا یہ نبی کے لیے خاص ہے, ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اللہ کو, اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا ہے, ہمیں اور آپ کو بتایا نہیں. اور وہ عذاب ہو رہا تھا سو ٹہنی گاڑ دیے ہیں, ڈالی لگا دیے ہیں, آپ پہلے سے کیوں سوچ رہے کہ اس کو عذاب ہوگا تو گاڑو مت ڈالو. ہاں یہ نبی کے ساتھ خاص ہیں, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ تو ہوا نبی کے حدیث سے ثبوت کے جانوروں کو پتا چلتا ہے. اسی طرح سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے, محدث عبد الحق الاشبیلی ان سے انہوں نے بیان کیا ہے,
अब्दुल इशबिली, इशबिलिया स्पेन का एक शहर है, स्पेन के एक शहर है इशबिलिया। तो मुहद्दिस अब्दुल हक इशबिली से, उनके हवाले से अल्लामा इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि वो कहते उन्होंने, अब्दुल हक अल इशबिली ने अपने उस्ताद, अबुल हकम बरखान से उन्होंने जिक्र किया कि मेरे उस्ताद ने अजाब कबर की जब हदीस आई तो हदीस पढ़ाते हुए, उसके एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने अपना एक मुशाहदा बताया, उन्होंने देखा। और ये सब ऑथेंटिक हैं, यानी बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं। तो अबुल हकम बरखान ने कहा कि उनसे उनके शागिर्द अब्दुल हक इशबिली बयान कर रहे हैं, और इसको इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह बयान किए हैं कि हम लोग, यानी अबुल हकम बरखान कह रहे हैं दर्स देते हुए, हदीस के दर्स का दर्स देते हुए, हम लोग तदफीन से फारिग होके, एक बार एक तदफीन से फारिग होके आ रहे थे वापस, इतने में वहां पर एक जानवर था, एक चौपाया था, कुछ भी हो, गधा हो, घोड़ा हो, या जानवर जो भी हो, वहां पर कब्रिस्तान में एक चौपाया था, भागते हुए आके वो कब्र जिसको अभी दफन किया गया उसमें कान लगा रहा है, फिर चीखते हुए भाग जा रहा है दूर जाके, फिर वापस आ रहा है, फिर वापस आके जोर से आवाज कर रहा है, फिर कान लगा रहा है कब्र को, फिर कान लगा के फिर बिफर के भाग रहा है, ऐसे बार 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 वो कर रहा है। हमने ये सोचा कि इसको अजाब हो रहा है, अजाब और हो रहा है। देखो ये एक वाकया है। फिर इसी तरह से शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, जो इब्न कय्यिम के उस्ताद हैं, उन्होंने भी एक वाकया बयान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क शाम में, सीरिया में शाम में एक तरीका था कि घोड़ों को जब बदहजमी हो जाती थी तो वो अब भागता नहीं, कूदता नहीं, एकदम बीमार पड़ जाता। तो घोड़ों को जब बदहजमी होती थी तो शाम के लोग, सीरिया के लोग क्या करते थे, नुसैरी एक कबीला है जो शियों की बदतरीन फिरका है, शियों का बदतरीन फिरका है नुसैरी, सबसे खतरनाक। और अभी जो वहां का बादशाह है वो नुसैरी से ताल्लुक रखता है, जिसको इंग्लिश में जियोनिस्ट कहा जाता है, एकदम खतरनाक है। तो बहरहाल, तो घोड़ों को जब बदहजमी हो जाती थी तो नुसैरी फिरके की कब्रिस्तान पे घोड़ों को ले जाके बांधा जाता था, वहां पर दिन भर एक दिन रखा जाता था, उसके बाद दूसरे दिन सही हो जाता था, वो घोड़ों की तबीयत सही हो जाती थी। असल में घोड़ों को जब बदहजमी हो जाए तो घोड़ों को खूब भगाना, जिस्म में गर्मी आना, पसीना आना, जितनी गर्मी आएगी पसीना बहाया जाएगा उतने ज्यादा वो बदहजमी दूर होके सही हो जाएगा। अब इन घोड़ों को वहां पर कब्रिस्तान पे लेकर ले जाके बांधते थे और उसके बाद चंद घंटों के बाद सही हो जाता था, वापस लाते थे। ये लोग समझते थे कि ये कब्र वालों की करामात है। क्या समझते थे? कब्र वालों की करामात है। और देखो, पक्का ईमान रखने वाला जो सलती होता है ना, उसका ईमान इतना स्ट्रांग होता है वो कभी बहकता नहीं है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया ये कब्र वालों की करामत नहीं है, हिकमत यह है कि उन कब्रों में अजाब हो रहा है और अजाब की आवाज को सुनकर ये घोड़े बिदकते हैं, बिफरते हैं, परेशान रहते हैं, वहीं पर बांधे हुए होते हैं। बिदकने से, बिफरने से आप जिस्म में गर्मी पैदा होती है, पसीना बहता है, अब बदहजमी दूर हो जाती है। ये असल हिकमत है। लेकिन लोग समझते हैं कि ये कब्रों वालों की करामात है, इनकी बरकतें हैं, कुछ नहीं है, असल हिकमत ये है। अल्लाह अकबर। देखो, तो इन जानवरों को महसूस होता है और जानवरों को पता चलता है, ऐसे बहुत सारे मुशाहदात हैं, बहुत सारे वाकयात हैं। जो लोग गांव देहात के रहने वाले हैं वो मुशाहदा किए होंगे, मैंने बारहा देखा है ये। क्या होता है, गांव देहातों में कब्रिस्तान खुले मैदान में, कोई चार दीवारी नहीं, कुछ नहीं, गेट नहीं, कुछ नहीं, खुला है। और गांव देहातों में जानवर चरते हैं, गाय, बैल, बकरे सब चरते हैं ना, तो कब्रिस्तान में जाके चरते हैं।
हमने कितने बार देखा गाय बैल को किसी कब्र को जाकर सिंह से खुरचते हुए, सिंह से खुरच रहे हैं, सिंह से मार रहे बहुत जोर जोर से, फिर भागता है, फिर आता, मैंने देखा अपनी आंखों से देखा है। इससे क्या पता चलता है कि बाकायदा कब्रों में आवाजें आती है, जानवर महसूस करते हैं, ये बरज़ख के अहवाल अल्लाह ने जिन्नो इंसान से तो छुपा रखा है। क्यों छुपा रखा, मैंने हिकमतें बता दी है, और दीगर जानवरों को अल्लाह ताला ने इसके बारे में बताया है, इनको पता चल जाता है। कभी कभार परिंदे आवाज करते हैं, कभी नागहानी मुसीबत वगैरह के ताल्लुक से वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, अल्लाह ताला उनको बता देता है। बहरहाल इसका आगे हम लोग ये मालूम करेंगे कि क्या बरज़ख की जिंदगी में जो मुर्दे वफात पा चुके हैं वहां आपस में मिलते हैं, या उनके किसी चीजों के बारे में अल्लाह ताला हमें बता सकता है, और हमने अगर ख्वाब में देखा है मरे हुए इंसान को, ख्वाब में देखा है उसकी हालत पे, तो क्या मुर्दों को ख्वाब में देखने से बड़ा नुकसान होगा क्या? लोगों में बहुत वहम ख्यालात हैं, अवहमात हैं, इंशाल्लाह इन बातों को, इन गुत्थियों को आगे सुलझाएंगे। तो आकी रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको कुरान और हदीस के सही मालूमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा हमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।